तो मैं रीना शुक्ला देसी रसोईयन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज दिन है शुक्रवार और तारीख क्या है, तारीख मुझे नहीं पता है क्या है, आप लोग समझ जाइएगा शुक्रवार को कौन सी तारीख थी, मुझे सच में नहीं पता है। और टाइम हो रहा है 10:30 और मैं नहा धो मैं सुबह ही चुकी हूँ। खैर 5 ही बजे मैं उठी थी, 4:30 बजे, और झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था, बच्चों का टिफिन बनाया, खा के खाने वाले चले गए और मैं रह गई हूँ अकेले घर में। और चलिए मैं दिखा देती हूँ मेरा क्या क्या काम बचा हुआ है। आज मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रहा। और मेरी हंसी देख के ये मत समझिएगा कि मैं बीमार नहीं हूँ, सच में बीमार हूँ, लेकिन मेरे से वैसे ब्लॉग बनाए नहीं जाते, वो तबीयत खराब है, जुकाम हो गया है, बुखार है, ये सब ब्लॉग मेरे से नहीं बनाए जाते हैं। हंसते हुए ब्लॉग मेरा बढ़िया मुझे लगते हैं, मेरे को दूसरे के भी ब्लॉग हंसते ही हुए देखना अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा ड्रामे वाले ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और चलिए दिखा देती हूँ घर का क्या क्या काम है वो भी आप लोगों को, लेकिन मुझे सर्दी जुकाम सच में बहुत बना दिया है और दूसरा भी वैसे ही पड़ा हुआ है, खाली बिस्तर वो किए हैं। और ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सब सामान अपना फेंक जाते हैं, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, रिमोट है, तो और नीचे देख लीजिए धोने वाले कपड़ों का ढेर लगा है, ये इतने यहाँ पर रखे हुए। सबसे कठिन वाला कपड़ा ना ये वाला है, जो ये है ना यही मेरी जान ले लेता है, एक तो बीमार, ऊपर से ये वाला कपड़ा है, क्योंकि ये जैकेट है बहुत बढ़िया दुष्ट जैकेट है, धोने में हाथ पैर दर्द हो जाते हैं। और कपड़े बाहर भी हैं, चलिए दिखा देती हूँ किचन का क्या हाल है। देखिए पूजा हमारी हो चुकी है और दीपक हमारा देखिए जल रहा है, ये देख लीजिए। और कुछ कपड़ों के ढेर यहाँ भी रखे हैं, ऐसे सब जगह मतलब ढेर थोड़े 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 मिल जाते हैं, अभी इनको हमें धोना है। थोड़े से ढेर यहाँ भी रखे हैं, क्या बताऊँ, कपड़ों ने तो मेरी जान ले ली है। और किचन का हाल देख लीजिए, ये देखिए सुबह का टाइम तो भैया किचन में ही रहता है, यहाँ हमने पानी रख दिया गर्म होने को, पानी हो गया गर्म क्योंकि मुझे धोने हैं गर्म पानी में कपड़े, ये गर्म पानी में भिगा देती हूँ ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और देख लीजिए भाई आधे कपड़े यहाँ भी रखे हैं, भगवान ज़िंदगी ऐसे कट रही है हमारी, कपड़े धोते धोते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लग रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कपड़े रखे हुए हैं, चलिए कपड़े हम भिगा देते हैं। लीजिए ये दोपहर है, 1 बज रहा होगा दोपहर का, और लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 6 बज रहे हों। और देख लीजिए धुंध कितनी तेज़ है, और मैंने जयपुर से लेकर जोधपुर तक कपड़े फैला रखे हैं, कपड़े देख लीजिए। और ये जो कपड़े मैंने धो दिए ना, इसकी वजह से शाम तक मेरे सर्दी जुकाम और ज़्यादा भयंकर वाला हो जाएगा। तो कितने कपड़े धोए देख लो, इधर भी हैं, ये देख लीजिए। और सबसे घातक कपड़ा कौन सा था चलिए वो भी दिखा देती हूँ, कोहरा देख लीजिए। और जिसने मेरी हालत ख़राब कर दी ना वो ये जैकेट थी, सही में इसको धोने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और मैंने इसको इसलिए ऐसे सुखा दिया है कि इसका पानी निकल जाए, लेकिन अब मैं इसको नीचे लेके चलूँगी, यहाँ पर डाल दी हूँ, थोड़ी देर पड़ा रहेगा, यहाँ सुखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि धूप निकलेगी नहीं, जब 1 बजे तक नहीं निकली है तो अब क्या निकलेगी। तो देख लीजिए ऐसा लग रहा है शाम को बज रहे हैं 6, ऐसे ही बिल्कुल नज़ारा है, चारों तरफ कोहरा कोहरा कोहरा, लेकिन मुझे ऐसा मौसम अच्छा लगता है, लेकिन भैया हमारी तबीयत हमारा साथ नहीं दे रही। और देख लीजिए मैंने तुलसी जी को कैसे ढक के रखा हुआ है, क्योंकि जब ये कोहरा पड़ता है ना तो तुलसी जी जो होती है वो सूख जाती है, तो उनको मैंने ढक दिया, बच्चों की सारी जैकेट वैकेट सब धो दिया। तो चलिए अब ब्लॉक का कर देती हूँ, यहाँ पर छत के ब्लॉक का कर देती हूँ एंड, फिर नीचे दिखाती हूँ नीचे क्या करूँगी, वही घर के काम, चलिए वो सब देख लेते हैं एंड नहीं करूँगी एंड। काम हो चुका है, किचन एकदम टिप टॉप मैंने कर दी है, यहाँ मैं गर्म पानी रखती हूँ हमेशा, क्योंकि हम 3 लोग बीमार हैं, भूमि, भाभ्या और उनकी मम्मी, तो गर्म पानी जब प्यास लगती है तो पी लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा दूध बच गया उसको मैंने रख दिया है, मलाई निकाल ली है, दाल चढ़ा दी है, सब्जी बनी रखी है, बर्तन हमारे एकदम मच चुके हैं। और चलिए घर का हाल भी दिखा देती हूँ क्या है, और ये देख लीजिए हमारे घर का भी काम हो चुका है। और ये जो मेरी कारपेट है ना छोटी सी, छोटकू सी खाना खाने के लिए, ये मैंने 99 रुपये की ली थी 99 मॉल से। और ये जो है ना, ये जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं नमाज़ पढ़ते हैं ना, वही ये दरी है छोटी सी, लेकिन मुझे सही लग रही थी और मैंने ले ली। अब पता नहीं अच्छी बात है कि गलत बात है, इतना मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया, मेरे बच्चे इस पर खाना खा लेते हैं बैठ के। और काफ़ी ये मोटी है, बहुत बढ़िया कम रेट की थी, सिर्फ 99 रुपये की। बिस्तर उस्तर हमारा बिल्कुल राइट टू राइट हो गया है, हो चुका है, मैंने 10:30 बजे काम करने की शुरुआत की थी और 1 बज रहा है, 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। वैसे अगर काउंटिंग करूँगी मैंने काम की शुरुआत कितने बजे की थी, तो मैंने 4:30 बजे में उठी थी, झाड़ू पोछा नहाना धुला खाना पीना बच्चों के लिए वो मैंने किया था, और बज रहे हैं इस टाइम घड़ी में 1। अभी मेरे घर का काम खत्म नहीं हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए आपको दिखाई चुकी हूँ, दाल मैंने चढ़ा दी है, और जब तक बच्चे आएंगे तब मैं चावल चढ़ाऊंगी, तो यानी कि खाना खाने का टाइम होगा हमारा 3 या 3:45 बजे ऐसे, 3 बजे या 3:45 बजे यही टाइम हमारा खाने का है। तो चलिए अब मैं रखती हूँ, फिर शाम का ब्लॉग आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, और कैसा मेरा ब्लॉग लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई मेरी शक्ल देख के बता सकता है कि मैं सच में बीमार हूँ लेकिन सच में मैं बीमार हूँ, सर्दी जुकाम मुझे बहुत ही भयंकर वाला हुआ है, मेरी आँख पे सूजन है सर्दी जुकाम की वजह से, ये लोग तो मतलब आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए ये सब तो लगा रहता है, लेकिन हमें जब भी ब्लॉग बनाओ तो हंसते हुए बनाओ, पता नहीं कौन इंसान कौन मूड में देख रहा है, तो रोंदू धोंदू ब्लॉग बना के क्यों सामने लगा मूड खराब किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को, हो गया है शाम के टाइम, घड़ी में बज रहे हैं 5, और मैंने सोचा था ब्लॉग कुछ बनाऊंगी खाने पीने का भी, इसी में ऐड करूंगी, लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी को काफ़ी तेज़ फीवर आ रहा है, अब मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं एंड कर रही हूँ।
और शाम होते होते मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है। दोपहर में तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस टाइम मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। देखिए दिखा देती हूँ, भाभी को आ गया है बुखार। दिया था नहीं उसने खाया है, मतलब 3 बजे आई थी स्कूल से, मैंने खाना दिया नहीं खाया। मैंने गरम तेल किया है, सरसों का तेल गरम करके, और भाभी के सर पे लगाया है, दवाई दी है क्योंकि इसको फीवर और जुकाम बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। चलिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए सो रही है। नहीं है, अब मैं ब्लॉग का कर रही हूँ एंड, तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए बाय बाय आप लोग को भी, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्दी से थोड़ा सा बच के रहिए। तो चलिए चाय चढ़ा देती हूँ, चाहे बीमार रहो चाहे जैसे रहो। और भूमि अभी कोचिंग से आ रही है तो इतनी ठंड है, थोड़ी चाय वो भी पिएगी। और चाहे बीमार रहो चाहे जैसे रहो, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ब्लॉग का करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ आपसे आगे।